वेलकम टू दी वीडियो गाइस। पर एक रे लेआउट कोटेशन एस्टिमेशन या कॉस्ट क्या आ सकता है डेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए हमारे पास एक एकड़ ज़मीन है, इसका हमने यानी कन्वर्शन करवा लिया है और टाउन प्लानिंग ऑफिस से लैंड का हमने लेआउट प्लान भी बनवा लिया है। तो अभी लैंड के डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट हमें ओवरऑल लगेगा, जिसमें हम ड्रेनेजेस बनाएंगे, रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का वर्क हम लोग कराएंगे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वर्क हम लोग कराएंगे, UGD गार्डनिंग वर्क हमारा होगा, उसके बाद फिनिशिंग और ऑफिशियली जो चार्जेस हम पे करते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर फॉर प्लॉट सेल के लिए, ओवरऑल ये सभी डेवलपमेंट के लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा पर एकड़ के लिए। इसके लिए हमने पर्टिकुलरली हर एक वर्क के लिए पर एकड़ कितना चार्जेस लगेगा उसका हमने एक कोटेशन बनाया है, जो हम अपने क्लाइंट को अप्रोच होते हैं किसी लेआउट डेवलपमेंट के लिए तो हम उन्हें कुछ इस तरह का कोटेशन देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह का कोटेशन वो रहेगा। सबसे पहले तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एस्टिमेशन कोटेशन रहेगा। प्रीवियसली जो वीडियो हमारी टीम ने अपलोड किया था इस चैनल पर, जो रेजिडेंशियल लेआउट डेवलपमेंट एस्टिमेशन करके टाइटल से हम लोगों ने जो PDF और एक्सेल शीट आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो उसमें और इस कोटेशन में फ़र्क यह है कि वो जो एस्टिमेशन था वो टोटली इंजीनियरिंग डिटेल इंजीनियरिंग एस्टिमेशन था, जिसमें हर एक पर्टिकुलर आइटम का हमने कैलकुलेशन किया था। मान लीजिए कि रोड है तो एक पर एकड़ में कितने मीटर हमारा लेंथ रोड आ जाएगा, उसका ब्रेड डेप्थ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग उसमें गर्स कितना डालेंगे उसका MQ हम लोग निकालेंगे, उसमें मेटलिंग हम लोग कितना डालेंगे उसका MQ हम लोग निकालेंगे, उसमें बिटुमिन हम लोग कितना डालेंगे, क्या लेंथ होगा, क्या डेप्थ होगा, क्या ब्रेड्थ होगा, इसका MQ निकालेंगे और उसका रेट्स हम लोग ऐड करके पर एकड़ उसमें कैलकुलेशन दिखाए हैं। तो बेसिकली उस PDF में अगर आप चाहें तो आगे वो वीडियो देख लीजिए तो आपको और तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उस PDF में और इस कोटेशन लेटर में क्या फ़र्क है। दोनों एक ही हैं, दोनों रेट्स सेम दिखाएंगे लेकिन आपको बताने का तरीका अलग होगा। तो इस वाली एक कोटेशन लेटर में ऐसा होगा कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक एकड़ है ज़मीन है तो उसका ड्रेनेज का टोटल कॉस्ट क्या होगा। इसमें हम लोग स्पेसिफिकेशन लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि हम लोग ड्रेनेज इतनी हाइट का ड्रेनेज होगा, इतने थिकनेस का होगा और इतने लेंथ का हम लोग ड्रेनेज बनाएंगे, तो उसका और उसके बाद आगे हम लोग रेट लिख देंगे। रोड ले लीजिए, रोड का इतने मीटर लेंथ रोड होगा, इतना हम लोग थिकनेस का गर्स डालेंगे, ग्रेवल डालेंगे, उसके बाद इतने इंच का, इतने MM का हम लोग मेटलिंग करेंगे और इतने MM का हमारा बिटुमिन वर्क होगा और उसके बाद हम लोग आगे रेट्स लिख देंगे। तो एक ही पेज में हम लोगों को पूरी तरह से पर एकड़ का कॉस्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंस था दोनों PDF में। तो इसमें और एक चीज़, OHT और सेप्टिक टैंक का इसमें कैलकुलेशन एक्सक्लूड किया है इस कोटेशन लेटर में हमें। जनरली आप बेंगलुरु, मैसूर, गुलबर्गा ऐसे बड़े सिटीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर अगर एक एकड़ भी आप डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक भी बनाना होगा और ओवरहेड टैंक रिजर्वायर का भी काम कराना होगा। लेकिन जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं तो जनरली वहाँ पर क्या होता है, 6 एकड़ से ज़्यादा अगर हम लोग कोई लैंड डेवलप कर रहे हैं तो हमें OHT टैंक और सेप्टिक टैंक बनाना रहता है। अगर उससे बिलो अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं लेवल डेवलपमेंट का तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना है। हो सकता है कि 2 एकड़ में भी आपको बताया गया कि जो है आपको OHT टैंक और सेप्टिक टैंक बनाना है, तो हमें उस रूल को फॉलो करना होगा। तो इसमें ड्रेनेज, रोड, UGD, इलेक्ट्रिकल वर्क, वाटर सप्लाई वर्क, पार्क कंस्ट्रक्शन और विथ परमिशन लेटर्स के साथ पर एकड़ हमारा क्या कॉस्ट आएगा, ये कुछ इस तरह से ये कोटेशन रहेगा। तो यहाँ पर ये कोटेशन कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनेज डिस्क्रिप्शन हमने लिखा है, ड्रेनेज वर्क इसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पर रहेंगे और पर एकड़ कॉस्ट क्या रहेगा, वाटर सप्लाई, UGD, इलेक्ट्रिकल, रोड, गार्डनिंग, ऑफिशियल चार्जेस, टोटली लेआउट डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा आ जाएगा, ये सब इसमें इस तरह से आपको एक ही पेज में आपको कोटेशन लेटर मिल जाएगा पर एकड़ के हिसाब से। तो हाउ डू आई गेट द एक्सेल शीट लिखा है, डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर हमारे मेंटर मिस्टर आसिफ जी को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग एक्सेल लेटर प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।